हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आज आपके समक्ष अंतरा भाग दो, तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम व पद के साथ प्रस्तुत हूँ। कवि का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल सोरों ईटा को भी मानते हैं, हालांकि उनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। बालपन में ही उनकी माता व पिता से बिछड़ हो गया था और भिक्षाटन द्वारा वे अपना जीवन यापन करने को मजबूर हुए। कहा जाता है कि गुरु नर हरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह हुआ और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास ने गृह त्याग किया, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता है। पारिवारिक जीवन में से विरक्त होने के पश्चात वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ भ्रमण करते रहे। अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे थे, यहीं उनका निर्धन हुआ। रचनाएं। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। इसकी रचना विशेषतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधि है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पद शैली की रचनाएं हैं तो दोहावली सुफट दोहा का संकलन है। कवितावली कवित व सवैया छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। ब्रज और अवधि दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। तुलसीकृत 12 कृतियां प्रमाणिक मानी जाती हैं, लेकिन रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति के आधार हैं। काव्य शिल्प। तुलसीदास साधना के कवि हैं, उन्हें समन्वय का कवि भी कहते हैं। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत विस्तृत है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहन अंतर्दृष्टि और विस्तृत जीवानुभाव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की ताकत और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूर्ण उत्कर्ष के साथ व्यक्त है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में दर्शाया। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्व बोध तथा आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय है। तुलसी ने संवादों द्वारा कथा में नाटकीयता का पुट ला दिया है। इससे कविता में रोचकता और सजीवता आ गई है। जैसे सखी सब कौतुक देख निकारो, जेउ कहावत हितु हमारे, अथवा दुलहे राम सिय दुलहिरी। तुलसी ने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। उनके उपमान प्रायः प्राकृतिक हैं। कमल, चंद्रमा, सागर, जल, मछली, चातक, चकोर, जहाज आदि अनेक प्रिय उपमान हैं। उदाहरणतः पहला, कौशिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, उपयुक्त काव्य में उपमा अलंकार है। दूसरा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, रूपक अलंकार। साखिने सहित सहर्षि अतिरानी, सुखत धानु पराजनु पानी, उत्प्रेक्ष अलंकार। अनुप्रास, यमक, उदाहरण आदि अलंकारों का भी मनोहर प्रयोग दिखाई देता है। इस प्रकार तुलसी की भाषा हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। वस्तुतः तुलसीदास ऐसे कवि हैं जिन पर समस्त भारतीय साहित्य को गर्व है। भरत राम का प्रेम। पुल के सरीस सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कबह मोर मुनि नाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं कहा, मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ,
अपराधी हूँ पर कोहू न काऊ, मुँह पर कृपा सनेहू बिसेखी, खेलत खुनिस कबहू देखी, सिसुपन ते परिहरेऊ न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रित जिया जोही, हारहू खेल जितावही मोही, महू सनेह संकोच बस सनमुख कहीं न बैन, दर्शन त्रिपति न आजु लगी प्रेम पियाओ नैन। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित भरत राम का प्रेम से उद्घृत है। इसके रचयिता राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। इन अंशों में राम के वन गमन के बाद भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। भरत सभी के साथ चित्रकूट में गए हैं तथा वहां सभा करके राम से वापस लौटने की प्रार्थना करते हैं। इस अंश में भरत अपनी मन की व्यथा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि व्याख्या: भरत सभा में पुलकित होकर खड़े हो गए। उनके कमल के समान नेत्रों में से प्रेम के आंसुओं की बाढ़ आ गई। उन्होंने कहा कि जो कुछ मुझे कहना था वह पहले ही मुनिनाथ ने कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, ये अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी खीज नहीं देखी, बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, उन्होंने कभी मेरे मन के प्रतिकूल कार्य नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिताते रहे हैं। भरत कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला, प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी में सपारा, यहू कहत मुहि आज न शोभा, अपनी समझी साधु सुचि को भा, मातुम अंधि में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरह की कोदव बाली मुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपने हु दोसक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अध परिपाकू, जारेऊ जाए जननी कही काकू, हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही नीक परिनामू, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूं सुतल सती भाव, प्रेम प्रपंचु की झूठ फरु, जानही मुनि रघु राव। प्रसंग पूर्ववत: चित्रकूट की सभा में भरत आत्मग्लानी और हीनता प्रकट करते हुए कहते हैं कि विधाता से मेरा लाड़ प्यार ना देखा गया, उसने माता के बहाने यह व्यवधान ला दिया, मुझे ये कहते हुए भी शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी दृष्टि में कौन साधु हुआ है, वह माता नीच मैं सदाचारी और साधु हूँ ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली से उत्तम धान फल सकता है? क्या काली गोंगी से मोती उत्पन्न हो सकता है? किसी को स्वप्न में भी लेश मात्र भी दोष देता मेरा अभाग्य ही अतः समुद्र है। मैं अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही कटु वचनों से माता से व्यर्थ ही रुष्ट हूँ। मैं अपने हृदय से सब तरीके से खोजकर हार गया, परंतु मुझे मेरी भलाई का कोई साधन नहीं मिला। एक ही प्रकार के निश्चय से मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसर्मथ और हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु और स्वामी के समीप मैं इस पवित्र तीर्थ स्थल में सत्य भाव से कहता हूँ, मेरा कथन प्रेम है या छल कपट झूठ है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री राम जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी, देखे न जाही बिकल महतारी, जरही दुसह जर पुर नर नारी, मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी मुझ समुझी
सही हूँ सब सूला। सुनी बन गवनु कीन रघुनाता, करी मुनि बेश लखन सिय साथा। बिन पानहिन पया दही पाए, संकरु साखी रहूं एहि धाए। बहुरी निहारी निषाद सने हूँ, कुल से कठिन उर भयऊ न बेहूं। अब सब आंखें ने देखूं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिनही निरखी मग सांपनी बीछी, तजही विषम विषु तापस तीछी। तेहि रघुनंदन लखनु सिये, अनहित लागे जाही। तासु तनय तजी दसहु दुख, देऊं सहावई काहे। प्रसंग पूर्ववत। व्याख्या। भरत कहते हैं कि प्रेम के प्राण को निभा कर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धिता दोनों का संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, उनकी दशा देखी नहीं जाती। अवध के नर और नारी असहाय ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब सुख सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। शंकर जी की कसम है, इस पीड़ा के बाद भी मैं जीवित हूँ। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस व्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर आंखों से स्वयं देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी कुछ सहेगा। जिनको देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं, वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसहे दुख और किसे सहावेगा। पद। जननी निरखति बाण धनु हैया, बार बार उर नैननी लावती। प्रभजु की ललित पनहिया, कबहु प्रथम जोई जाई जगावती। कही प्रिय बचन सवारे, उठहु तात बलि मातु बदन पर। अनुज सखा सब द्वारे, कबहु कहित यो बड़ी बर भाई। जाहू भूप पहे भैया, बंधु बोली जेये जो भावे। गई निछावर मैया, कबहु समझी वन गमन राम को। रही चक्र की चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहें ते लागति प्रीति सखी सी। प्रसंग। तुलसीदास ने रामचरितमानस कड़वक शैली में लिखा, वही राम कथा सेवैया एवं कवित के सहारे कवितावली में उतारे। फिर सुरसागर की तर्ज पर पद शैली में राम कथा को गीतावली में उकेरा। प्रस्तुत पद उसी गीतावली से उद्गृत है। राम के वनगमन के बाद राम की वस्तुएं देखकर कौशल्या के मन में वात्सल्य उमड़ पड़ा। व्याख्या। राम की माता उस धनुष बाण को देखती है जिसे राम धारण करते थे। उसे राम के स्नेह की स्मृति अनुभव होने लगती है। वह राम की जूतियों को भी कभी आंखों से छूती हैं तो कभी छाती से लगाती हैं। वह कभी सवेरे सवेरे प्रकट रूप में जाकर राम को जगाने का अभिनय करती हैं। हे पुत्र उठो, माँ तेरे रूप पर बलिहारी है। तेरे छोटे भाई और सभी मित्र द्वार पर खड़े हैं। वह कभी कहती है, हे भैया बहुत देर हो गई, हे राजा दशरथ के पास जाओ। जो मित्र अच्छे लगे उन्हें बुला लो, तुम्हारी माँ तुम पर न्योछावर है। कभी वह रामगमन की बात याद करके चित्र की भांति निर्जीव सी हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय कौशल्या में मयूर की भांति स्नेह भाव उमड़ता दिखाई देता है। राघव एक बार फिरी आवो, ए बर बाजी बिल्लों की। आपने बुहारों बनही सिधावो, जय पै पाई पोखी कर पंकज। वार वार चचुकारे, जी क्यों जी वही मेरे राम लाडिले। तब अब निपट बिसारे, भरत सगनी सारे करत हैं। अति प्रिय जान तिहारे, तदपि दीन ही दीन होत। झावरे मनहु कमल हिम मारे, सुनहु पथिक जो राम मिलही। बन कहियो सा मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहीन। ते इन्हों को बड़ो अंदेशो। प्रसंग
पूर्ववत व्याख्या। हे पथिक सुनो, यदि राम तुम्हें वन में कहीं मिल जाएं, तो उनको मेरा संदेश दे देना। राम, तुम एक बार लौट आओ, फिर आओ। तुम अपने इन सुंदर घोड़ों को देखकर फिर वन में लौट जाना। हे मेरे लाडले राम, मेरे जिन हाथों ने पुचकार कर तुम्हें स्नेह से दूध पिलाया था, वे अब कैसे सजीव रहेंगे? तुम तो उन्हें बिल्कुल भूल ही गए हो, अर्थात तुम मुझे बिल्कुल भूल गए हो। मेरे इन हाथों को तुम्हारे अति प्रिय समझकर भरत इनकी बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं, फिर भी ये कमल कर दिन प्रतिदिन काले कमजोर पड़ते जा रहे हैं, मानो पाले से मारे कमल हों। मुझे सब अंगों की अपेक्षा इन हाथों की बहुत चिंता है। यह था तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत राम का प्रेम व पद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।